हम बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज अमित शाह जयपुर आए, जेपी नड्डा जयपुर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय, जो आरएसएस से आते हैं बीजेपी में और जो एक तरह से कंट्रोलिंग पॉइंट है बीजेपी का, वो सुबह ट्रेन से जयपुर आ गए। बीएल संतोष, अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी बचते हैं सीनियर मोस्ट, सबसे ऊपर शिखर पे, बाकी तीनों शिखर पुरुष आज जयपुर में। और जयपुर में होटल ललित में बैठक चल रही, बैठक में वसुंधरा राजे मौजूद हैं, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, और बीजेपी के जितने प्रमुख नेता हैं जो रेलेवेंट हैं राजनीति की दृष्टि से, चुनावी की दृष्टि से, वो सारे रेलेवेंट नेता वहाँ मौजूद हैं। उच्च स्तरीय कोर कमेटी की बैठक हो रही है और जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उनको सामने रखेंगे, रणनीति बनाएंगे, बातचीत करेंगे, क्या जीत का मंत्र देकर जाते हैं। जेपी नड्डा भी हैं, बीएल संतोष भी हैं, बताना भूल गया मैं आपको, चंद्रशेखर भी वहाँ मौजूद हैं, देखिए उनका हवाई अड्डे पर स्वागत हो रहा है, वसुंधरा राजे भी स्वागत कर रही हैं। और वहाँ पे अरुण सिंह भी मौजूद हैं प्रदेश के प्रभारी, तो इतने टॉप लीडर्स सारे बीजेपी के प्रदेश के और देश के टॉप लीडर्स, इनकी ये बैठक आने वाले चुनाव की दृष्टि से बहुत ही अहम बैठक है, दिशा तय करने वाली बैठक है, किसकी क्या भूमिका होगी ये भी बताया जा सकता है। हो सकता है वसुंधरा राजे से अमित शाह की 1-to-1 मुलाकात भी हो और चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर कोई डिस्कशन भी हो, इसकी भी पूरी संभावना बताई जा रही है। पर फिलहाल 15 टॉप लीडर्स राजस्थान की बैठक में मौजूद हैं और केंद्र के, देश के, भाजपा के राष्ट्रीय नेता 3 सबसे ऊपर मोदी को छोड़कर वो तीनों यहाँ मौजूद हैं। अब इस दिशा निर्देश के बाद बीजेपी कैसे एक्टिव होती है, किस दिशा में आगे बढ़ती है, कैसे चुनाव की रणनीति बनती है, क्या मुद्दे बनते हैं, ये सब सामने आएगा आज के बाद। इंतजार रहेगा हम सबको अमित शाह के दौरे का, क्या नतीजा निकलता है। देर रात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कल भी दिन में मीडिया को कुछ बताया जा सकता है या खबरें छन छन कर आ सकती है। हाँ, मैं बताना भूल गया, प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के प्रभारी हैं इस वक्त चुनाव के, विजय राठकर भी मौजूद हैं और नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, ये क्या कह रहे हैं। जो कमल का संदेश दिया है मोदी ने, उस पर फोकस करने की दिशा में आगे कार्रवाई होगी।